युवाओं के रोजगार हेतु भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बजट ब्रह्मास्त्र जी हां लेकर आए हम, क्योंकि आज लेखा अनुदान पेश किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने लेखा अनुदान पेश किया है विधानसभा में, और सबसे खास बात यह रही कि देखिए सभी वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। बहुत कुछ या बहुत बड़ी घोषणाएं तो कुछ ऐसी नहीं कर दी गई, लेकिन फिर भी सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है, और ये 4 महीने के लिए है। और इसे समझना होगा, जिस तरह से वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा, दिया कुमारी ने, कि ये तो महज अभी 4 महीने के लिए है, लेकिन जब समझिए पूरा बजट आएगा, पूर्णकालिक बजट आएगा, तब बहुत कुछ होगा। क्योंकि जहां 70,000 भर्तियों का ऐलान किया गया, युवाओं में इससे जोश है, स्त्री महिलाओं की बात यहां पर की गई, बालिकाओं की बात की गई, उनके लिए भी यहां पर घोषणाएं की गई हैं, किसान की बात की गई। और जिस तरह से हमने देखा भी था कि जब आम चुनाव अंतरिम बजट यहां पर पेश किया गया था, तो उस वक्त भी खास जो फोकस था वो 4 फैक्टर में था, किसान, गरीब, महिला और युवा। और वही जो रिफ्लेक्शन है उसका आज राजस्थान के बजट में भी देखने को मिला, यानी लेखानुदान में भी देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, कहा ये जरूर जा रहा है कि कोई बड़ी घोषणा हमने इसलिए नहीं की है, चुनाव भी थे, इसलिए हमारे हाथ पे अभी बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि सिर्फ 4 महीने के लिए लेखानुदान, जिस तरह से नियम भी है, लेकिन असर जरूर लोकसभा चुनाव का भी नजर आता है। हालांकि फिर भी कुछ बड़ी घोषणाएं थी, जिस तरह से पेट्रोल डीजल को लेकर बार बार बात की जा रही थी, वैट कम करने को लेकर उसका इंतजार था, वो बजट में नजर नहीं आया। और क्या कुछ है, कैसे आमजन इसे देख रहा है, हर वर्ग इसे कैसे देख रहा है, बैलेंस मान रहा है, जितना किया जा सकता था उतना किया गया, इसे एक्सेप्ट कर रहा है, या ये मान के चल रहा है कि और भी कुछ ऐलान हो सकते थे लेकिन अभी किए नहीं गए। बहरहाल हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है, उनसे हम आपको रूबरू करा दें, क्योंकि चर्चा हमें हर सेक्टर को कर करनी है और सबके अपने अपने विचार भी हो सकते हैं। चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके, सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ गुरवीर सिंह बराड़ जी हैं, बीजेपी विधायक है, बहुत स्वागत है गुरवीर जी आपका। हमारे साथ ममता शेखावत जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं, महासचिव हैं क्रेडाई से। गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, कर्मचारी नेता हैं। साथ ही हमारे साथ सुनील जैन जी हैं, फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर हैं। नीलेश अग्रवाल जी भी शामिल हुए हैं चर्चा में, अध्यक्ष सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से। गुरवीर जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही उम्मीदें बहुत ज्यादा, और सरकार बनने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भजनलाल सरकार का फोकस रहा है, कुछ उसको लेकर ऐलान भी किए गए, बजट में भी ये नजर आया, लेकिन इस बजट को कैसे देखा जाए? विपक्ष तो सीधे तौर पर कहता है कि कुछ नहीं दिया गया, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं और कैसे उम्मीद जनता करे कि ये 4 महीने के लिए, और जब पूर्णकालिक बजट आएगा तो वो बहुत कुछ मिलेगा जिसकी उम्मीद जनता करती है। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो राजस्थान में उन्नति हुई है, राजस्थान का विकास हुआ है, और जब भी कांग्रेस आई है राजस्थान को कर्ज में डुबोया और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया। अगर आप इनके ये हमारे पे तंज कसें, 2 लाख करोड़ का कर्जा वो राजस्थान को दे करके गए, आज राजस्थान 5,80,000 करोड़ के आसपास के कर्जे में है, जहाँ पिछली सरकार गत सरकार में हमारा जो आम किसान हर व्यक्ति यहाँ का निवासी है वो 36,000 पर व्यक्ति कर्ज था, आज वो 70,000 पार कर गया। इन परिस्थितियों में राजस्थान को उबार के लाना माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने प्रयास किया है। ये सब वर्गों के लिए बजट है, यह राजस्थान को विकसित और उन्नत राजस्थान बनाने के लिए बजट है। इसमें युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, हर वर्ग के लिए बजट में आज भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ही अंत्योदय के संकल्प पे काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। इस बजट में आप देखेंगे कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। सबसे बड़ी जो आज हमारी प्राथमिकता है युवाओं को नौकरी की जो है, 70,000 नौकरियां हम दे रहे हैं, जिसमें 20,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में माध्यम से भी नौकरियां देने का प्रयास हम करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी आज की हमारी अचीवमेंट है, ERCP, जो पिछले कई सालों से उस पर कुछ नहीं हो रहा था, ना सिर्फ उस पर MOU हुआ है, उस पर इतनी तेजी से काम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी बीड़ा उठाती है उसको काम को करके दिखाती है। ऐसी बहुत सी चीजें इस बजट में है। चलिए, बहुत कुछ इस बजट में है। सुनील जैन जी, फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर है आप। देखिए सवाल अब ये उठता है कि जब आप कुछ खर्च करना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब अगर इस लेखानुदान की हम बात कर लें, पूर्णकालिक बजट नहीं है कि हम पूरे साल का बजट, लेकिन जिस तरह से सवाल ही उठ रहे हैं कि जब आप जो ऐलान कर रहे हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि आपके खजाने में पैसा नहीं है, अब सरकार के लिए ये कैसे चुनौती रहेगी इस बजट में जो ऐलान किए गए हैं फाइनेंशियली अगर बात की जाए तो, और कितना बैलेंस आप इसे मानते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होगी कि ये जो बजट है अभी एक इंटरिम बजट था, अभी फाइनल होना बाकी बचा हुआ है। हमने कार्यक्रम का नाम रखा बजट ब्रह्मास्त्र, तो अभी ब्रह्मास्त्र चला नहीं है,
अभी तो एक शुरुआत है, एक पोजीशन ली गई है और जो कि बीजेपी की घोषणाएं थी उसको शायद ध्यान में रख करके सभी डिपार्टमेंट से उनकी जो भी एक एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर था और जो योजनाएं हैं उनको लेकर के कुछ घोषणाएं की गई है। वो जैसे कि एमएलए साहब ने बताया कि सभी लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई है, सभी लोगों का भला करने की कोशिश की गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बजट में अभी कुछ एक इनोवेशन होना चाहिए था, एक जो नई सरकार बनी है तो प्रोबेबली शायद कुछ समय कम रहा होगा प्रिपरेशन के लिए, तो इनोवेशन जो हमें चाहिए था, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए था। देखिए बजट किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, अभी देखिए जो जो पोजीशन हम लोगों ने ली हुई है अभी पूरे देश में मोदी जी की सरकार के साथ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, राजस्थान गवर्नमेंट कैन टेक ए लीड रोल ऑन दैट। वो कैसे ले सकती है, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टास्क फोर्स तो बना दी है, घोषणा जरूर की गई है इकोनॉमिक टास्क फोर्स की, अब करना कैसे होगा कि हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों को मोनेटाइज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास में लैंड एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स को किस तरह मोनेटाइज करके हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ बात होनी चाहिए थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के क्या पाथवे है, क्या रोड मैप है, उसको लेकर के सरकार की तरफ से कुछ घोषणाएं मैं उम्मीद कर रहा था कि आनी चाहिए थी और उससे ही हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिल सकती है। तो घोषणाएं जो हुई है अभी उसके ऊपर एक मैं समझता हूं कि पोजीशन ली गई है, वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट कि जो अब जो पूरा बजट आएगा जुलाई में उस समय मैं समझता हूं कि सारी घोषणाओं के साथ में कुछ कॉन्क्रीट प्रपोजल्स आएंगे और शायद एक मार्ग प्रशस्त होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बिल्कुल, तो यानी ये कह सकते कि सिर्फ ट्रेलर से ही अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, पूरी पिक्चर का इंतजार करना चाहिए और जुलाई में जब आएगी तो उसके बाद फिर अपना एनालिसिस करना चाहिए कितना बेहतर है कितना नहीं। जो एनालिसिस मैं कर पाऊंगा, ये जो कुछ जैसे जो इंटेंशन शो की गई है, जब हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनानी है, जब हम कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, जब हम कह रहे हैं कि कैनाल प्रोजेक्ट जो है हमारा ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट, एमएलए साहब ने बताया उस पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 15,000 करोड़ रुपए हम जल निगम पे जल जो हमारा मिशन है उस पर खर्च कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन ये रिसोर्सेज जो हमारे बजट हैं, जो 3 लाख करोड़ का बजट होता है राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान में जिसमें कि मेजर पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, कैपिटल आउटलेट तो हार्डली 36,000 के करीब होता है, दिस इज टू लेस अमाउंट इन माय ओपिनियन। तो इसको बढ़ाने के लिए प्रयास जो है आगे मैं समझता होंगे और टास्क फोर्स में हम लोग जैसे सुझाव अगर सरकार चाहेगी तो डेफिनेटली करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए गजेंद्र जी, कर्मचारी वर्ग इसे कैसे देख रहा है, इस बजट को कैसे देख रहा है, क्योंकि कर्मचारियों को भी तोहफा दिया गया है, तो क्या खुश है कर्मचारी वर्ग या भी उम्मीदें कायम है? निश्चित तौर पर राजस्थान का जो लेखानुदान बजट है ये कोई बजट तो है नहीं और ये 4 महीने का बजट है। निश्चित तौर पे जो बजट आया उससे कर्मचारियों को बहुत बड़ी आशाएं थी, पर उस आशाओं के अनुसार बजट नहीं है, लेखानुदान ये है। और इसमें मैं समझता हूँ जो कर्मचारियों के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन दिया है पदोन्नतियों में, 2 साल की डीपीसी में 2 साल का अनुभव की छूट दी है, ये एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि पिछली सरकार ने भी दी थी और हमारे कर्मचारियों को जो पदोन्नतियों के पद मिले थे और उस पदों के बाद में वो पद लगभग खाली पड़े थे और उन पदों को भरने के लिए ये आवश्यकता है कि 2 साल की, हमने परसों सीएस साहब से भी निवेदन किया था और पहले भी एक दो बार मांग की थी, तो उसके बाद में इन्होंने जो 2 साल का डीपीसी में अनुभव में छूट दी ये स्वागत योग्य कदम है। दूसरा, कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी आशाएँ थी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है पिछली सरकार ने दी उस पर इसमें स्पष्ट किया जाएगा, परंतु ये तो लेखानुदान है तो मैं सोचते हैं हम लोग देखते हैं कि 4 महीने बाद में जो बजट आएगा उसमें स्पष्ट स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा, जो 2023 में बजट में घोषणा की गई थी जितने भी शोषित वर्ग है ठेका कर्मचारी उनको एक कंपनी बना के रेक्सो की तर्ज पर RLSDC और उस कंपनी का लगभग काम पूरा हो चुका है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन और उसकी अधिसूचना जारी होनी है, तो इस बजट में उसके हम सोच रहे थे कि राजस्थान में करीबन 2-2.5 लाख ऐसे ठेका कर्मचारी है, शोषित वर्ग है, सबसे शोषित वर्ग वो है, तो उनके लिए घोषणा होगी। तीसरी चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि जो ये 10% का किया ये लेखानुदान में मैं समझता हूं ठीक है, इसमें भी कर्मचारियों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और तीसरा, जो युवाओं को 70,000 युवाओं को रोज़गार देने की बात कही है, तो आपको पता है शहीद स्मारक पे बैठे हैं कुछ है हमारे राजीव गांधी युवा मित्र,
जिनको हटा दिया गया सरकार आते तो उनके बारे में सोचना चाहिए। तीसरा, हमारे जो सीफू में पैरामेडिकल, नर्सिंग, एनएम और फार्मासिस्ट कर्मचारी बनने के लिए उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी है, सिर्फ लिस्ट जारी होनी थी, पिछली सरकार से नहीं हुई। अभी वो सारे वहाँ सीफू के सामने बैठे हैं, तो उनके लिए भी सरकार को इस बजट से उन लोगों को बहुत बड़ी आशाएं थी। और मैं समझता हूँ अगर 70,000 में उनको भी शामिल हैं तो ये धन्यवाद के काबिल है। तो ये सारे चीज़ें हैं युवाओं को, जैसे रोजगार 70,000 वाला सीफू वाले बैठे हैं, उन लोगों को राजीव गांधी युवा मित्र, तो इनका अगर पॉजिटिव लेते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत यानी कर्मचारी वर्ग तो सकारात्मक है ना, पॉजिटिव ले रहा है इसे। हाँ ठीक है, उम्मीद और ज्यादा है, देख लेते हैं आने जब पूर्णकालिक बजट आएगा। वो जो सिपू में बैठे हैं बेचारे सर्दी में, आप देखते हो बच्चों को लेके बैठी हुए हैं, उनके लिए इन्होंने कोई विधान इसमें बजट में कोई ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, इसका भी जवाब लेंगे। नीलेश जी भी हमारे साथ हैं। नीलेश जी, इंडस्ट्रियल एरिया की जब बात करते हैं, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा है इंडस्ट्रीज से। अब इसके लिए जो घोषणा की गई है लेखानुदान में, वो किस तरह से दिखता है? एमनेस्टी योजना के तहत या पुराने मामलों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं, इसमें कर माफ़ किया गया है, तमाम जो फैसले आज लिए गए इस लेखानुदान में नज़र आया, क्या उससे संतुष्ट है व्यापारी वर्ग, उद्योगपति? जिस तरह से ये लेखानुदान का बजट है, कुछ घोषणाएँ तो बहुत अच्छी हुई हैं, जैसे लैंड टैक्स को माफ़ किया गया है, बहुत ही बड़ा बर्डन हो गया ये लैंड टैक्स को माफ़ किया गया है। दूसरा, जो सोलर कैप्टिव कंजप्शन जो 500 किलोवाट तक का था उसको 1 मेगावाट किया गया है, इससे बहुत बड़ा सुकून एक इंडस्ट्री को मिलेगा, क्योंकि वैसे ही बिजली की कमी लगातार बनी रहती है। आज हर आदमी अपनी कैपेक्स करेगा और उसको 1 मेगावाट तक या और 700-800 किलोवाट तक ले जाएगा, तो उससे सरकार की बिजली की समस्या दूर होगी और इंडस्ट्री को कम रेटों में बिजली उपलब्ध होगी। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मतलब हमें दुख है कहते हुए, चाहे पुरानी सरकार थी, आने वाली सरकार ने जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी साहब ने पिछले 15 दिन के अंदर अपना रवैया दिखाया है, एक एक डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पर सख्ती कर रहे हैं, अगर ये रवैया बना रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि सुधार होगा। आप जैसे बात करें, सीतापुरा के आगे प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, आज 6 साल हो गए उसको बने हुए, आज उसमें अप्रोच रोड नहीं है। हम JDA, रिको, मतलब इतने परेशान हो चुके हैं, और ऐसी समस्या एक इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं, जगह जगह बहुत सारी जगह पर ये समस्याएं हैं जहां पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम चाहेंगे इस तरह की घोषणाओं के लिए आप इंडस्ट्रीज लीडर्स को साथ में बैठाएं, उनसे डिस्कशन करें और एक समय सीमा दें कि आपकी ये समस्या को 15 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा, 1 महीने में ख़त्म कर दिया जाएगा, जब जाके एक इंडस्ट्री, एक व्यापार सही तरीके से चल पाएगा। आप माने कि आज अप्रोच रोड नहीं है, कैसे ट्रक आते हैं, आप शिवदासपुरा थाने में जाके पूछें, चाकसू, ACP चाकसू से पूछें, रोज लड़ाई झगड़े हैं, रोज FIR हो रही है वहां पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज सरकार को इंडस्ट्रियल एरिया काट रहा है, तो सबसे पहले एक अप्रोच रोड देनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। रिको है, उसको सिर्फ कलेक्शन से मतलब है, उसको डेवलपमेंट से, नालियों से, सड़कों से, जंगल से। आप लोगों ने ये बात तो रखी होगी, जिन समस्याओं का आप जिक्र कर रहे हैं, आप लोगों ने ये बात तो रखी होगी, ऐसा तो है नहीं कि बताया नहीं गया, बात नहीं रखी, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हर जगह, हर स्टेज पे रखी है बात, और खूब मीटिंग्स करी हैं, मतलब, लेकिन धरातल पे काम होता ही नहीं है। मतलब कह के जवान घिस गई, जूते घिस गए, लेकिन धरातल पे काम होता ही नहीं है। चलिए, मेरे पास रिकॉर्ड है। सिंह बराड़ जी भी ये बात जरूर पहुंचाएंगे जो समस्याओं का जिक्र किया जा रहा है। रफीक खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक, स्वागत है रफीक जी। अब सबसे पहले तो रिएक्शन जरूर इस लेखानुदान को लेकर आपसे चाहेंगे, क्योंकि आज दिन भर जिस तरह के रिएक्शन आए हैं, कांग्रेस बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, और बिल्कुल भी बेहतर कहे कि 10% भी नहीं मान रही है, कहना ये कि कुछ भी नहीं है और जो है तो वो रिपीटेशन है। आपका क्या है व्यू इस लेखानुदान पर? देखिए, ये जो लेखानुदान है इसको इन्होंने बजट घोषणा और चुनावी घोषणाओं के रूप में ले लिया, एक ढकोसले की तरह बजट प्रस्तुत किया। क्या है कि जब आप बजट देते हो किसी भी चीज़ का और घोषणा करते हो साथ साथ, कह दिया हम हाईटेक सिटी, अभी मेरे सीतापुरा के इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही बोल रहे थे, बहुत सी जेन्युइन बातें हैं इनकी, हालांकि मैं इनका साथी हूँ, इन्होंने कोई सड़क की समस्या 5 साल में मेरे को नहीं बताई, तो जो जो कभी इन्होंने बताई वो मैंने दूर करी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बात इनकी बिल्कुल जायज़ है कि जब आप कोई चीज़ की घोषणा कर देते हो तो उसका अरेंजमेंट भी करो, बजट का अरेंजमेंट भी करो।
अभी आज की जयपुर की घोषणा है दो, एक तो हम मेट्रो लाएंगे और यहां तक ले जाएंगे सीतापुरा से, लेकिन सीतापुरा का प्रोविजन हमने पहले डाल दिया, और विद्याधर नगर तक ले जाएंगे, और बजट में आप चवन्नी नहीं बता रहे हो। अरे पैसा कहां से लाओगे भाई, बातें करने से थोड़ी बन जाएगी चीजें। आपने ये कह दिया कि हम जयपुर हाईटेक सिटी बनाएंगे, पैसा कहां से ला रहे हो, कहां है पैसा, कौन से मद में आप पैसा दे रहे हो? आप 250 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ की फिगर आप कोट कर रहे हो कि इसमें हम ये काम करेंगे, इसमें हम ये काम करेंगे, और जो आप 1000 करोड़ की स्कीम बता रहे हो उसके लिए आप पैसा बता नहीं रहे हो। न जयपुर को, मैं ये उम्मीद कर रहा था इस बजट के अंदर जो ऑन अकाउंट बजट लिया इन्होंने, और सब बातों से तो हम इनकी पर्ची से खुश नहीं थे क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ नहीं, पर्ची खुल गई, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एक बात से मैं पर्सनली खुश था कि मुख्यमंत्री जयपुर से, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जयपुर से, एक कैबिनेट मंत्री जयपुर से। तो मैंने कहा जयपुर को तो सौगात मिलने वाली है, अब के तो जयपुर कोटा को पछाड़ेगा, जोधपुर को पछाड़ेगा, लेकिन वही ढाक के 3-5, 1 रुपए का प्रोविजन पूरे इस घोषणा पत्र के अंदर, 1 रुपए का प्रोविजन जयपुर के लिए नहीं है। आप बता दो पूरा बजट, ये मेरे भ्राता के साथ में हाथ में लिखी हुई किताब पढ़ी है, यहाँ पर चवन्नी का प्रोविजन नहीं है। तो जब आप प्रोविजन नहीं कर रहे तो करोगे क्या? बिना पैसे के कोई काम आप कह रहे हो कि मैं 1000 करोड़ रुपए यहां खर्च करना चाह रहा हूं। जो मेट्रो की आप बात कर रहे हो, सीतापुरा से मेट्रो विद्याधर नगर तक बिना पैसे चली जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि चुनाव है सामने, हम बात सारी कर दें और काम की बात एक नहीं करें, पैसा एक नहीं बताएं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी मंशा काम की नहीं है, हम लीपापोती करना चाह रहे हैं। एक बात बहुत जोर जोर से बोली सबने, और मेरे आने से पहले शायद अभी भी बोली गई होगी, कि साहब आप लोन बढ़ा दिया, ऋण बढ़ गया। जब हम सरकार में आए, 13 में हमने सरकार छोड़ी, तो 1,09,000 करोड़ का कर्ज था, 1,29,000 करोड़ का, और जब वापस हमने ली तो वो 3,09,000 हो गया, मतलब 1,29 से 3,09, 2.5 गुना से ज्यादा। तो ये भी तो एक वजह बताई जा रही है, पुरानी सरकार ने कर्ज में छोड़ा है बहुत ज्यादा, इसलिए वही तो बात बता रहा हूँ। तो 3,09,000 पे पहुंच गए, 1,29 से तो पहुंच रहा है 250% से ज्यादा की ग्रोथ में, और हम 200% में भी नहीं जा रहे हैं, ये 350% जा रहे हैं। हमने 3,09,000 को 4.5 लाख पे पहुंचाया, आधे खड्डे तो इनके लोन के कर्जा चुकाते चुकाते भरने पड़े, लेकिन फिर भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी की ग्रोथ के अंदर बड़े राज्यों में पहले नंबर पे और पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पे। ठीक है गुरवीर जी, एक इसका जवाब दे दीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे सवालों के घेर। अरे रफीक जी, अब थोड़ा देरी से आए आप, तो अब तो पूरा वक्त लेना चाहते वापस। नहीं बिल्कुल वक्त तो रोजाना देंगे सर, रोज सुनेंगे भी और आज भी। गुरवीर जी एक इसका जवाब, पहले तो कांग्रेस को बार बार पर्ची याद आती है, जब से कांग्रेस बनी है 70 साल में बिना पर्ची के बिना कोई मुख्यमंत्री पर्ची के बिना नहीं बना पाए। हर चैनल के ऊपर पूरे देश ने देखा, सारे आवाम ने देखा, पर्ची की बात गलत है तो बता दो। डेमोक्रेटिक तो नहीं हुआ ना आज तक, एक भी फैसला नहीं हुआ बिना पर्ची के, कांग्रेस नहीं। अच्छा एक एग्जांपल बताओ, और आप सिंह ये तो पर्ची सबने देखी, जिसने खोली उसके होश उड़ गए, राजस्थान में खुलवाई उसके होश उड़ गए, पंजाब में फेल हुई, किसी ने। लेकिन रफीक जी एक बात बताइए ना, पर्ची आई क्या? चलिए ठीक है, सारे आम पर्ची आई है। रफीक जी ये पर्ची आई गई जो भी, अब उससे जनता को क्या मतलब पर्ची से, जो मिल चुका है चेहरा हमें। लेकिन आप लोग बोलते पर्ची वाली सरकार, आज भी कांग्रेस से जो प्रवक्ता है वो यही बोलते पर्ची वाली सरकार, दिल्ली से सरकार बनी, दिल्ली से ही बजट बना, दिल्ली से ही सब कुछ। पर्ची से आई दिल्ली की गलत थोड़ी करें, डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले भी राजस्थान के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और आज भी नहीं छोड़ेंगे। जितनी यहाँ आज आम हो सकता है किसी बड़े आदमियों को ना नज़र आ रहा हो, पर ये किसान से पूछिए, उन महिलाओं से पूछिए, उन युवाओं से पूछिए कि उनको क्या मिला है आज किसान। क्या मिला? चलो युवाओं का बता दो, आप क्या मिला? युवाओं के लिए, युवाओं के लिए सत्तर लिया, क्या मिला ये बताओ। चलिए उसी पर इसमें हमने बिल्कुल 70,000 देने की बात की है, हमने एसआईटी गठन की है, जो इनकी 50,000 की भर्ती, जो लगातार इन्होंने लगातार नौकरियों में धांधलियां की, एक परिवार को बांट दी, एक ही परिवार के सारे लगा दिए, वो कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है बिल्कुल,
युवाओं पे फोकस। वापस लौटेंगे, बिल्कुल चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। अब ऐसा दूसरे मेहमान भी रविंद्र प्रताप सिंह जी भी हैं, क्रेडाई से महासचिव हैं। रविंद्र जी, अब जरा आप अपनी फील्ड का भी एक्सपेक्टेशन बता दीजिए, क्योंकि समस्याएं तो थी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर क्या है, लेकिन अगर हम बात करें आपके सेक्टर की। देखिए, मैं रियल इस्टेट सेक्टर से आता हूं और जैसे नीलेश भाई ने भी उल्लेख किया, एक बड़ा जजिया कर टाइप का हमारे पे कांग्रेस सरकार ने कर लगा दिया था, लैंड टैक्स। लैंड टैक्स एक ऐसी चीज़ थी कि आपकी इंडस्ट्रियल प्लॉट हो, आपका होटल का प्लॉट हो, आपका रेजिडेंशियल, जो आपने प्रोजेक्ट चालू ही नहीं किया उसके ऊपर टैक्स लगने लग गया था 10,000 मीटर से। तो आज भाजपा सरकार ने उसको ख़त्म किया है, हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा कि ये प्रोविजनल बजट था, लेकिन प्रोविजनल बजट के अनुसरण में आज वित्त विभाग ने बहुत सारी अधिसूचनाएं जारी करी हैं, जिसके अंदर ईज ऑफ बिजनेस। अभी तक ये होता था कि सब रजिस्ट्रार को 50 लाख रुपए से ऊपर का हर एक मौका देखना होता था, रोज़ रोज़ हर एक 9 सब रजिस्ट्रार 14 सब रजिस्ट्रार उनके पास 200-200 डॉक्यूमेंट आते थे, आपका डॉक्यूमेंट वहाँ चला जाता था और वो 10-10 दिन 15-15 दिन तक जनता को नहीं मिल पाता था। आज उन्होंने ये प्रावधान किया है उसमें कि आप एक इम्पैनल्ड, खूब सारे लॉयर्स होंगे, उनको आप अपना इलाका दिखा दीजिए और उसको वो अपलोड कर देंगे और उसको हम मान लेंगे, जो कि एक ईज़ ऑफ बिजनेस है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि भाजपा सरकार के आने के बाद से ईज़ ऑफ बिजनेस, काम फास्ट होने का तरीका, ये सब भाजपा सरकार इसके अंदर कर रही है। और मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो आज उन्होंने प्रावधान दिया है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंदर 1% की उन्होंने ड्यूटी लगाई है LIG में और 0.5% की ड्यूटी लगाई है उन्होंने EWS में, बट इसके पीछे एक छदम है। छदम ये है कि आपने घोषणा तो कर दी 1% की, पर उसके ऊपर 1% का रजिस्ट्रेशन चार्ज आप उसको नहीं लिख रहे हो और 0.3% का उसके ऊपर आप सरचार्ज नहीं लिख रहे हो। मैं तो, एक मिनट इंटरप्ट करूंगी सर, हुक्म। थे तो मेरा साथी हो और आप बात थारी सही है कि लैंड टैक्स की बात आपने करी। अरे बड़े 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 बिल्डरों को तो फायदा दे दिया, लेकिन LIG MIG ये जो छोटे छोटे आप बता रहे हो जिनको कोट कर रहे हो, 1% उन पे ले लिया पैसा, तो गरीब आदमी के साथ अन्याय क्यों? गरीब आदमी को भी छूट देनी चाहिए थी। बड़े टैक्स में आपने रिबेट दे दी, मैं मान लेता हूं उसको, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जो ये आपके लिए नहीं किया इन्होंने, ये किया है माइनिंग सेक्टर के लिए, जो हेक्टेयर्स में जमीनें लेके बैठे हैं, 100-100 हेक्टेयर की माइन लेके बैठे, लेकिन क्या आपको फायदा नहीं उससे? माइन लेके बैठे हैं ये, लेकिन क्या आपको फायदा नहीं उससे? आप उसका शिकार हो रहे थे, इसमें कोई दोहराय नहीं, आपको फायदा मिला, मिलना भी चाहिए था, मैं खुद इसका पैरोकार हूं, लेकिन उन लोगों को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को छोड़ दिया आपने, जहां से रेवेन्यू आनी थी। ये आपको टारगेट रखते हुए नहीं किया है, ये किया है बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक सीधा सीधा फायदा अघोषित रूप से माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। इस पर भी और जवाब आप सुनेंगे, लेकिन एक मिनट, घरों के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर 1% लगा दिया, अरे 2 लाख 5 लाख वालों पे क्या 1% लगा रहे हो आप? चलिए, ममता जी भी हमारे साथ हैं, ममता जी सामाजिक कार्यकर्ता है। ममता जी, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ है और सामाजिक स्तर पर देखा जाए कि सुरक्षा सबकी ज़रूरत होती है, फिर वो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, महिलाएं हो, बच्चियां हो, युवा हो, सबको चाहिए कि हम जिस स्टेट में रहें वो सुरक्षित है, सेफ है, ये हम महसूस कर सकें। इस बजट से आप, इस बजट में आपको क्या नज़र आया, लेखा अनुदान जो आज पेश किया गया है, सेटिस्फाइड हैं आप? जी, बीइंग अ वुमन एंड एक सोशल वर्कर होने के नाते अगर मैंने जो एनालाइज किया है बजट, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। इसमें हर तबके को ध्यान में रखकर बजट को बनाया गया है। आप देखें, छोटे बालक बालिकाओं को लीजिए, युवा वर्ग को ले लीजिए, महिलाओं को ले लीजिए या फिर बुजुर्गों को ले लीजिए, हर तबके को इसमें इंक्लूड किया गया है। बालक और बालिकाओं की बात करती हूँ, KG से PG, एक बहुत ही सुखद एहसास है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो सरकारी राजकीय विद्यालय में जाते हैं, उनके लिए शिक्षा जो है वो फ्री कर दी गई है। साथ ही 9वीं से लेके 12वीं तक की फ्री है, ये जी ऑलरेडी फ्री मिल रही है जी, अभी कोई नई बात नहीं हुई है ये जी, ये लिख दिया किताब में। अभी कौन सी सरकारी स्कूल में पैसे लिए जा रहे हैं मेरे को बताओ? नहीं, जो एडिशन हुआ है कि जो बच्चियां हैं 9वीं से 12वीं तक की, उनको 1,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, 1,000 रुपए का अनुदान। दूसरी बात, आप कह रहे हो ना KG से PG फ्री, जी जी, तो वो तो पहले ही दे रहे हैं
नहीं नहीं वो इंक्लूजन है, हाँ तो इट हैज नॉट बीन, ये खाली किताब में लिखने से इसको हटाया नहीं गया है, यानी आप ये रफीक जी कहना चाह रहे हैं कि जो चीजें पहले से हैं उसका भी क्रेडिट लिया जा रहा है, उसको भी मेंशन कर दिया यहाँ पर, वो पिछली सरकार ने किया है, धन्यवाद हमको तो उसके लिए भाई, महात्मा गांधी स्कूल खोली, चलिए चलिए वापस रुक करेंगे, अदिति अदिति अरे महात्मा गांधी स्कूल के बोर्ड चेंज नहीं सर, ऑलरेडी स्कूल चल रहे थे, जो स्कूल चल रहे थे उनका नाम क्या के महात्मा गांधी जी लिख दिया, एक स्कूल नहीं बना, एक कमरा नहीं बनाया, एक टीचर अपॉइंट नहीं वहां किया, कोई सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की हकीकत ये है, इंग्लिश और मेरे यहां चल के देखो आप, चलिए कोई नहीं, देखिए पिछली सरकार की योजनाएं भी बहुत थी, घोषणाएं भी बहुत थी, देखिए इसलिए तो समीक्षा की बात मौजूदा सरकार कर रही है, मेरे को तो पांच काम बता दे जनता के, इन्होंने इसमें बजट में क्या है, क्या फायदा हो रहा है, पांच नाम बताओ थे तो क्या पांच फायदा हो रहे हैं, जनता राजस्थान के कोने कोने में बसती आज पांच लाख महिलाएं बनाई, पांच काम बताओगे ये फायदा हो रहा है, पांच लाख लखपति महिलाओं को जो हम रोजगार दिया जाएगा, पांच फायदे बताओ वो महिलाओं के लिए, आज बातों से नहीं होती है, चलिए ठीक है, अदिति अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर, उनका रुख कर लेते हैं, अदिति अभी आपने सुना, देखिए हर एक अलग अलग सेक्टर के हम बात कर रहे हैं, लेकिन अदिति एक बात है, अगर हम पॉलिटिकल एंगल से बात करें, एक तो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर ही लेखा अनुदान में रिफ्लेक्शन कितना नजर आता है, क्योंकि कोई कह रहा है पूरी तरह से उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया, कोई कह रहा है क्योंकि लेखा अनुदान है इसलिए बहुत सारी घोषणाएं नहीं की गई, हर एक सेक्टर को टच भी किया गया है, बहुत बड़ी घोषणा भी नहीं की गई, लेकिन ये जो बार बार कांग्रेस कहती है पर्ची की सरकार बनी है, और ये जो बजट है लेखा अनुदान भी वो भी दिल्ली से बनकर आया है, कुछ इसमें बेहतर नहीं, सिर्फ लोकसभा चुनाव के को ही ध्यान में रखकर किया गया है, इस पर एक जवाब जरूर एक चाहेंगे अदिति। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो जाहिर तौर पे ये पूरा का पूरा बजट जो नजर आ रहा है इस पर चीजें देखिए, पहला जिन जिन वादों को करके आए थे उनकी छाप है, वजह यह है कि 2024 का चुनाव है और जनता को ये लगना चाहिए कि जब वो डबल इंजन की सरकार और तमाम चीजें कि जो जो कुछ कहा है वो पूरा करेंगे और करने लग गए हैं, ERCP को देख लीजिए, और फिर जो एक केंद्र का नारा है गरीब किसान महिला युवा उन सबको भी थोड़ा थोड़ा टच किया गया है, अब जैसे अभी रफीक जी कह रहे थे तो उससे पहले उन रफीक जी के जिक्र करने से पहले हम पहले बजट पे बात कर लें, तो इसको कहना गलत नहीं होगा कि अच्छा बजट इसलिए दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही अंतरिम बजट हो लेकिन 2024 के चुनाव से पहले जनता के बीच में अच्छी घोषणा अच्छे बजट का एक माहौल बना रहना चाहिए, और फिर ERCP में पैसे बढ़ा देना, जिन जिन चीजों का वादा किया था उसकी छाप नजर आना, और पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री भी नए हैं वित्त मंत्री भी नहीं है तो विपक्ष आक्रामक दिखा लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपरिपक्वता नजर नहीं आई सरकार की तरफ से वित्त मंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से। अब सवाल उठता है कि रफीक जी कह रहे हैं या विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो चुनावी बजट है तो फिर या फिर ये ऐसा बजट है जो पुरानी सरकार करके गई, तो रफीक जी ज्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि आप लोगों ने भी जैसा आप कह रहे हैं बहुत जबरदस्त बजट दिया लेकिन फिर भी जनता ने आपको नहीं चुना, रफीक जी सुन लीजिए, जनता ने आपको नहीं चुना, जनता ने आपको नहीं चुना तो चिंता की बात ही क्या है, भारतीय जनता पार्टी आप जैसा बजट लाई है अब देखते हैं कि चुनते हैं कि नहीं। अच्छा आपने ये तो माना कि हमारे और जहां तक बात है पर्ची की सरकार भले ही पर्ची की सरकार और पूरे पांच साल हाँ लेकिन आपको जनता ने नहीं चुना सत्ता से बाहर खड़ा कर दिया, कोई पैसा कम नहीं किया और ERCP पे धोखा है राजस्थान की जनता का, राजस्थान की जनता के प्रति ERCP पे धोखा है, पानी जो दे रहे हैं वो पानी आधे से ज्यादा राजस्थान को मिलना चाहिए था सर, ERCP का मुद्दा तो चुनाव में भी था, सेटलमेंट ERCP तो उन्होंने पिछले चुनाव में नहीं की फिर भी सरकार चुनके आ गई है ना, अजी मैं कौन बनाया जी तो विपक्ष में बैठ गया थे तो कम करता थाने तो जनता पेट्रोल का पेट्रोल की बात कर करके आपको तो जनता ने मैंडेट दे दिया और सरकार बन गई आपकी, आपको करने चाहिए थे पेट्रोल डीजल में पैसे कम, पेट्रोल डीजल के पैसे कम करते हैं रफीक जी, एक मिनट, ERCP और दोनों पेट्रोल डीजल और ERCP दोनों पे बताया था, 5 साल आपकी सरकार थी, ERCP के मुद्दा ही बना रह गया और आप बार-बार चीजें केंद्र पे डाल रहे हैं, ये सरकार बनते ही ये प्रोसेस में आ रहा है, DPR इस महीने की बात कही जा रही है, किया जा रहा है, इसका बजट बढ़ा दिया गया, अच्छी बात है ना, होनी चाहिए कदम तो इसलिए नहीं उठा पाए कि हमें अपने पैसे से शुरू करनी पड़ी। रफीक जी मेरा तो आप एक बात का जवाब दीजिए,
राजस्थान की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं इन्होंने? बार बार चलिए उसमें बात करेंगे ना। अदिति अदिति कुछ पूछना चाह रही थी आप। रफीक जी आप मानते हैं ना चुनावी बजट है? आपने कहा भी, आपके मित्रों ने भी कह दिया। आपसे एक सवाल है, भले ही चुनावी बजट हो, आप मुझे बताइए लोकसभा चुनाव में 25 सीटों में, लोकसभा चुनाव की 25 सीटों में आपके पास कितने कैंडिडेट हैं जो जिताऊ हैं? कोई लड़ नहीं रहा। कितने कैंडिडेट तैयारी है कांग्रेस के पास जो जिताऊ हैं, जो राजस्थान से सीटें कम करा सकते हैं? रफीक जी क्या तैयारी है कांग्रेस की? कुछ नहीं है हमारे पास खोने के लिए, कुछ नहीं है। हम अगर 15 सीट भी जीतेंगे तो जीतेंगे, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी के पास लड़ेंगे डंके की चोट पे, चुनाव लड़ेंगे डंके की चोट पे। अभी इनका मैंडेट आ गया, फिर भी 11 लोकसभाओं पे हमारी लीड है, ऐसे मत बोलो आप। चुनाव कैसे भी लड़ेंगे, चुनाव में महत्वपूर्ण है जीतना। उसमें विधानसभाओं का रिजल्ट जब आप इम्प्लीमेंट करते हो लोकसभाओं पे, तो हम 11 लोकसभा पे लीड कर रहे हैं। तो 11 पे आप लड़ाई अच्छे अच्छे कैंडिडेट ढूंढिए, पुलाव पे नहीं रहे। आपको लड़ाने चाहिए रफीक जी। अभी इस बात की कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आवाज ही नहीं आ रही। कॉन्फिडेंस की वजह क्या है आप ये बता दीजिए। जब सरकार थी तब भी एक सीट जीत कर नहीं आए, अब आप बोल रहे हैं 11 सीट पर लीड कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणामों के पहले भी आप कह रहे थे कि सरकार तो हमारी आ रही है, हम लीड कर रहे हैं। देखिए हम 70 सीटों पे जीत के आए। हाँ, ठीक है, अभी के कॉन्फिडेंस की एक वजह है। चार विधानसभाओं के चुनाव हुए, 5 विधानसभाओं में। आप टोटल पूरे हिंदुस्तान के वोट का जब शेयर बात करोगे, एक स्टेट हम जीते, 3 स्टेट हम हार गए, हमने हार एक्सेप्ट की, लेकिन जब टोटल वोट शेयर पे जाते हो तो हमारा वोट 10 लाख बीजेपी से ज्यादा है। 10 लाख वोट इस चुनाव में जिसके रिजल्ट आए 3 दिसंबर को, उसमें बीजेपी का टोटल और कांग्रेस का टोटल में 10 लाख वोट हमारे ज्यादा हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं बन पाई। लोकसभा लड़ेंगे, 11 लोकसभा में अभी हम लीड कर रहे हैं। इस सब पूरे माहौल के बावजूद, धर्म और जाति के आधार पर चुनाव लड़ा उसके बावजूद, और मुझे जयपुर शहर में जिन विधानसभाओं में पीएम रैली करके गए, उन विधानसभाओं में भी मात खाई इन्होंने। पीएम की रैली हुई मेरे यहाँ, पीएम की रैली हुई किशनपोल में, और दोनों विधानसभा हारे। तो गुरूर नहीं करना चाहिए किसी को भी, आदमी हार से ही सीखता है। हम सरकार हमारी चली गई, लेकिन लोकसभा लड़ेंगे और लोकसभा में जवाब देंगे। अदिति आपने सबक नहीं लिया हार से, चलिए ठीक है, लेकिन अदिति इस लेखानुदान में, इस लेखानुदान में जो आज पेश किया गया, बाकी में क्या लोकसभा चुनाव का रिफ्लेक्शन नजर आता है? कोशिश ये की गई कि किसी वर्ग को निराशा में हाथ न लगी और कोई बहुत ज्यादा घोषणा भी न की जाए, या वाकई में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर या उस नजरिए से भी देखा जाए इसे? देखिए इसको वैसे समझना चाहिए, खुद कांग्रेस का बड़ा एग्जाम्पल है, 50 से ज्यादा जिले बना देने, तमाम तरीके की चीजें कर दी नहीं, हेल्थ को लेकर एक बड़ी घोषणा, कितनी बड़ी घोषणा कर दी थी, तमाम मुद्दे थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? अब आप देखें कि अभी जो केंद्र का बजट आया, यूनियन जो बजट आया, अंतरिम बजट, उसमें भी कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं की गई। और अगर हम इस जो आज जो राजस्थान के बजट को जैसे भी देखते हैं, सामान्य बजट के रूप में देखते हैं या बेहतर बजट के रूप में देखते हैं, सही मायने में बजट का और अगले जो 3 महीने बाद जो चुनाव होने हैं उसका ज्यादा लिंक नहीं हो पाता। चुनाव में इंपैक्ट होता है, चुनाव के ठीक पहले क्या मुद्दे उठे हैं, चुनाव के ठीक पहले लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। तो बेसिकली सही मायने में बजट बहुत ज्यादा निर्धारित, भले ही हम आज डिस्कस कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या क्यूमुलेटिव 3-4 साल में फर्क पड़ता है बजट का, अदरवाइज हाल के चुनाव में इन बजट का फर्क नहीं पड़ता। हालिया एग्जाम्पल है अशोक गहलोत का, बंपर बजट था, बंपर बजट, लेकिन उसके बावजूद भी क्या नतीजा रहा? लेकिन फायदा नहीं मिला, फायदा नहीं मिला। चलिए अदिति आपको यहाँ रोकना चाहिए, ब्रेक का वक्त हो गया। रफीक जी वापस आते हैं, तो देखिए लेखानुदान पेश किया गया है और सबके अपने अपने तर्क भी हैं, उम्मीदें भी हैं और चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करना भी यहाँ पर जरूरी है। खुश भी है लोग तो क्या कमी है, या कुछ और क्या जोड़ा जा सकता है उसको लेकर बात करते हैं। ममता जी क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता है,
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उस वक्त आपको रोक दिया था, दूसरी चर्चा होने लगे थे और इसलिए आप शायद उस जवाब को लेकर इंतजार कर रही थी। जी, बात पूरी कीजिए। जी मैं ओवरऑल बहुत खुश हूँ क्योंकि हर तबके को साथ में लेकर और बड़ा ही बैलेंस्ड बजट बनाया गया है। मैं महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, लाडली सुरक्षा योजना जिसमें एंटी रोमियो स्क्वाड का उन्होंने गठन करने की इम्प्लीमेंट करेंगे वो, साथ ही लखपति दीदी है, लाडो योजना है, मातृ वंदन योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट महिलाओं को होगा। तो आप देखिए बुजुर्गों को भी बेनिफिट दिया है उन्होंने, रोडवेज जो यात्रा है उसमें 50% उनको जो उनके टिकट्स हैं उसमें उनको छूट रिबेट दिया गया है। तो आप सोलर योजना ले लीजिए, फॉरेस्ट ले लीजिए, मतलब उन्होंने ऐसा कोई एरिया अनछुआ नहीं छोड़ा है जहाँ पर कोई काम करने की ज़रूरत है। तो हर तबके को और हर एरिया ऑफ लाइफ इंक्लूडेड इन दिस बजट, सो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड बजट फॉर मी। चलिए क्योंकि बजट है और वक्त भी खत्म हो रहा है, एक एक रिएक्शन आप लोगों को जरूर। मैं इतना सा जरूर जानना चाहूंगा सरकार से कि चिरंजीवी योजना इसका क्या कर रहे हैं, बंद है कि चालू है, क्या कर रहे हैं सरकार? तो बोल रही है कि बस हेल्थ सेक्टर में हम राजस्थान बंद तो कोई योजना नहीं कर रहे हैं, ये तो साफ कर रही है सरकार। हाँ इसे किस पे एड ऑन कर लेंगे, ये इलाज ही नहीं हो रहा है अस्पतालों में, मेरे को तो ये बताएं बंद है कि चालू है। चिरंजीवी योजना का आपने सिर्फ नाम चेंज किया, भामाशाह योजना चल रही थी, प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत लेकर के आए, उसका नाम चिरंजीवी योजना बंद है कि चालू है, इतना सा बता दो। योजना आया और इनको पता ही नहीं है, बताओ क्या बताएं। आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद कर दी गई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य और उस योजना के नाम से बिल्कुल योजना जो हमने शुरू की थी, सरकार का पैसा खर्च हो चुका है, में शुरू हुई थी वो बिल्कुल पूरे साल का जारी रहेगी पूरा पैसा। लेकिन सरकार, लेकिन रफीक जी सरकार बोल रही है कि कोई योजना बंद नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब कोई योजना एक रिएक्शन जरूर ले लेते हैं। जनता को गुमराह करने के अलावा बस खत्म हो रहा है, एक रिएक्शन जरूर चाहिए। राजस्थान की जनता बुरा बताएगी जो बंद कर रहे हो। चलिए ठीक है, हमारी शुरू की योजनाओं के इन्होंने नाम बदले, पूरे उसको ये सरकार भी बोल रही है कि कोई किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन रफीक जी अगर ये डाउट है इस पर भी बिल्कुल, हेल्थ में हम पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर में, हेल्थ सेक्टर में जितना काम राजस्थान में पिछले 5 सालों में हुआ है, पिछले साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो बजट एक्सपेंडिचर में हम पहले नंबर पे। 10 मेडिकल कॉलेज अगर हम उद्योगों की बात करें शॉर्ट के अंदर, तो हम चाहते हैं सरकार जिस तरह से बजट के पहले सुझाव लेती है उन सुझावों के साथ में उसका समाधान करे, इंडस्ट्रियल लीडर्स को बैठाए और ऐसे अधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को साथ में बैठाए जो उनका निस्तारण उसी समय करे। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निस्तारण अधिकारी चाहें, जिसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना है उनके ऊपर। अच्छा सुझाव है, इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। गजेंद्र जी, गजेंद्र नीलेश जी आप आते थे सुझाव देने, हर बजट से पहले लेते थे आने सिखाओ, कि नया नया आदमी बैठ गया अभी थोड़ा सा 1-2 साल लगे हुए एक्सपीरियंस लेने में आने, हर बजट में आप आते थे सुझाव देने के लिए। लेखानुदान मांगे हैं, इनका जो बजट पेश किया गया निश्चित तौर पे इसमें कई चीजें अच्छी भी है, कई आशा के अनुरूप है, कई खिलाफ भी है। कुछ आशाएं थी उनकी घोषणाएं नहीं हुई, तो जैसे अभी बता रहे थे चिरंजीवी, तो मैं कह रहा हूँ आरजीएचएस में तो पिछली सरकार ने आरजीएचएस योजना की कैशलेस, और उसमें हमारे जो कर्मचारियों के पैसे काटे जाते हैं, हर कर्मचारी का पैसे काटे जाते हैं, उसके बाद में हमें आरजीएचएस के हिसाब से सुविधाएं दी जाती है। परंतु पिछले 3-4 महीने से ये सुविधाओं में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि या तो पैसे नहीं दिए जा रहे सरकार से, या फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है जिससे दवाई नहीं मिल रही, इससे कर्मचारियों में बहुत बड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि हमें बिल तो प्रोवाइड बिल नहीं सबमिट कर सकते, अब तो आरजीएचएस से लेना है, वहाँ दवाई नहीं मिलती है, तो कर्मचारी को खुद को पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आज शिक्षा मंत्री जी ने अभी जो एआर ने जो स्थानांतरण पे बैन खोला, तो निश्चित तौर पे ये जो 10 दिन के लिए बैन खोला है तो कुछ कर्मचारी इधर उधर आ जाएंगे, पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, माननीय रफीक साहब भी यहाँ बैठे हैं और आप गुरमीत जी भी बैठे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षकों का क्या दोष है कि उसमें जब भी कोई सरकार आती है तो या तो उनके लिए बहाने कर दिए जाते हैं, कभी परीक्षा का बहाना कर दिया जाता है, कभी उनके लिए वो नियम बनाए जाएंगे, कभी नीति बनाए जाएंगे। तो यानी आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये सरकार इसे गंभीरता से ले और इस पर कुछ फैसला होगा? लोगों को अभी स्थानांतरण खोले हैं तो कम से कम उनको अपनी नीति स्पष्ट करें, नीति बनाने की जरूरत नहीं है। और तृतीय श्रेणी का दोष क्या है, तो कर्मचारी बेचारे ठीक है, जब
सबका खोला जा रहा है तो इनका भी खोलना चाहिए। ठीक है सुनील जी, पिछले पांच साल हमने, सुनो एक मिनट, साल हमने संघर्ष किया तृतीय श्रेणी शिक्षकों के। चलिए उम्मीद करते हैं ना, उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार ले गंभीरता से, नहीं होगी कर्मचारी खुश होंगे, चलिए उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ देख भी रहे होंगे कि हाँ कर्मचारियों की दिक्कत है, तृतीय श्रेणी का जिक्र बार बार कर रहे हैं। सुनील जी। हाँ श्वेता जी, मैं बात कर रहा था ट्रांसफॉर्मर चेंजेस के बारे में। तो जो हाईटेक सिटी के बारे में या सैटेलाइट सिटी के बारे में जो घोषणा की गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक्साइटिंग है। और अभी जो है बेंगलोर और हैदराबाद ऑलरेडी कंसेशन हो चुके हैं, उसका जो काउंटर मैग्नेट जयपुर है वो वेल प्लेस्ड है, वी आर वेल प्लेस्ड फॉर हाई दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट के बाद में जो गवर्नमेंट सीरियसली इस प्रोजेक्ट को करती है, तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी छूटें इसमें मिलती है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी जो है उसका एग्जांपल है, बहुत सारी कंपनियां वहाँ प्लेस्ड है, बहुत सारे एग्जामेशंस वहाँ मिलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। हमारे पास में यहाँ जो मैन पावर है राजस्थान में जयपुर में बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हमारे पास में स्किल्ड लेबर अवेलेबल है यहाँ पे। तो दिस इज अ वंडरफुल अनाउंसमेंट आई मस्ट से। और इसको अगर सीरियसली एक बार चालू कर देते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड और जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं एक प्रायोरिटी के रूप में पूरी करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा वेलकम चेंज मैं समझता हूँ। रविंद्र जी, वक्त हो चुका है क्लास का। हेलो, मेरा ये कहना है राज्य सरकार को कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी है और प्रधानमंत्री योजना हमारे प्रधानमंत्री की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षा की योजना थी, बट उसके अंदर अभी भी राज्य सरकार के कुछ विसंगतियां ये हैं कि आज भी जो आया है कि भाई हमने मुख्यमंत्री जन आवास योजना में 1% की स्टैम्प ड्यूटी कर दी है, वो एक्चुअली 1% की है नहीं, बीच में हमारी बात रफीक जी ने रह गई थी, वो 1% की है नहीं, उसके ऊपर 1% का रजिस्ट्रेशन चार्ज और 0.3% की सरचार्ज जो लग रहा है, मैं ये चाहूँगा कि राज्य सरकार उसको या तो खुलासा करे कि भाई 2.3% लगेगी और या फिर उसको हटाए, क्योंकि जब रजिस्ट्री कराने जाता है तब तो आपने तो लिख दिया 1% है, पर जब वो जाता है तो प्रैक्टिकली 2.3% की उसको स्टैम्प ड्यूटी मिलती है, तो मैं चाहूंगा राज्य सरकार से कि वो उसको हटाए। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रफीक जी ने उम्मीद करते पूरी बात रख दी है, गुरवीर जी ने भी बात रखी है, लाइनर ले सकते हो आप मेरे से। ये बजट डब्बा है, ग्रामीण गांव का बजट है, खेत खलियानों का बजट है, दिखावा है, किसानों का बजट है, किसी आदमी को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ खोखला दिखावा। शुक्रिया। देखिए विपक्ष तो ये मान रहा है कि ये दिखावे का बजट है, खोखला बजट है, लेकिन हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से बात भी रखी जा रही है और अलग अलग सेक्टर ने भी अपनी बात रखी। हालांकि इतना जरूर है कि उम्मीद बहुत ज्यादा है और उम्मीदों की कोई लिमिट नहीं होती है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है और इसलिए भी इंतजार है क्योंकि पता है कि ये लेखा अनुदान है और 4 महीने बाद यानी जुलाई में जब आएगा पूर्णकालिक बजट तब उसमें क्या कुछ होता है, कितना ध्यान रखा जाता है और जो कहा गया है, जो रोडमैप अभी तैयार किया जा रहा है उसे लेकर भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी और तब शायद जो लोग अभी थोड़ा निराश हुए हैं उन्हें खुश होने का मौका मिल जाए। इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन फिलहाल इस बजट को हर वर्ग के लिए ठीक माना जा रहा है, बहुत बेहतर बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन फिर भी हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने के लिए घोषणा जरूर की गई है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।